नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन बेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए योद्धा बैच शुरू किया है, जिसके तहत हम आपके लिए टेंसेस के चैप्टर को लेके आए हैं। इससे पहले मैंने आपके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस को करवाया है और आज हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंसेस के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि एग्जाम के पर्पज से इसमें क्या इंपॉर्टेंट रूल्स रहेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले रूल्स की ओर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंसेस होता क्या है। तो बच्चों, फ्यूचर इन यानी कि फ्यूचर, जब मैंने आपको इनडेफिनिट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर टेंसेस क्या होते हैं, जो हमें किसके बारे में इंडिकेट करते हो, आने वाले टाइम के बारे में इंडिकेट करते हैं, यानी कि जो फ्यूचर के बारे में हमें बताते हो। अब बच्चे, इसमें लिखा गया है कि द फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंसेस इज अ वर्ब टेंस दैट शो एन एक्शन हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो रहेगा जो किस टाइम पे किया गया है, फ्यूचर में किया गया है, बट साथ में हमें ये भी बताता है कि जो हमारा टाइम जो है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस में। कोई एक्शन कैसा है फ्यूचर में भी कैसा रहेगा बच्चों, कॉन्टिन्यूस में रहेगा, उसको शो करने के लिए हमें दे रखा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस। तो बच्चे, मैंने इसके साथ है आपको ये भी बताया था कि पीछे मैंने आपको जितने भी कॉन्टिन्यू टेंसेस पढ़ाए हैं, तो मैंने बताया कि पहचान आपको किस प्रकार से करनी है फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंसेस की। तो कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको बताया है कि हमेशा ही वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाई जाती है। कौन सी वर्ब लगाई जाती है बच्चों? हमेशा ही वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाई जाएगी। ये आपको पहचान करने में मदद करता है कि टेंस कौन सा है। अब बच्चों, कैसे डिसाइड होगा कि ये आपका फ्यूचर का है? तो फ्यूचर के कीवर्ड मैंने आपको पीछे बताए हैं, दो ही कीवर्ड है फ्यूचर में। हम जो भी बात बोलते हैं बच्चों, उसके लिए हमें सिर्फ दो ही जो मोडास हैं वो एज अ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं टेंसेस के अंदर, तो वो है आपके, एक है आपका बच्चों विल एंड सेकंड है बच्चों आपका शैल। तो ये दो है जिससे हमें पहचान होती है कि कोई लिखा गया सेंटेंसेस किसमें है, फ्यूचर टेंसेस में है। तो कौन सा टेंस हो गया? एक तो आपको विल एंड शैल लगा होगा, साथ में आपकी आईएनजी वाली फॉर्म लगी होगी, कौन सा टेंस रहेगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस रहेगा। अब इसके जरा रूल्स को देख लेते हैं कि रूल्स क्या है इनका। तो रूल्स है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि कोई भी सेंटेंसेस हम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट आता है, साथ में उसके अकॉर्डिंग अगर आपका ये सिंगुलर होगा तो विल लगेगा एंड प्लूरल होगा तो आपका शैल लगेगा। मतलब साथ में मैंने इससे पीछे बताया था कि आपका जो फर्स्ट पर्सन रहता है, फर्स्ट पर्सन, उसके साथ हम यूज करते हैं शैल का यूज करेंगे, जबकि हमारे पास जो सेकंड एंड थर्ड पर्सन है उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप भले ही सिंगुलर एंड प्लूरल का देखते हैं तो साथ में ये भी ध्यान में रखना कि अगर आपका फर्स्ट पर्सन है तो हमेशा ही कौन सी आपकी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, शैल यूज की जाएगी। सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के लिए हम किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन क्या रहेंगे आपके? आई एंड वी। सेकेंड पर्सन में आपके आ जाते हैं यू, एंड थर्ड पर्सन होते हैं बच्चों आपके ही, शी, इट, या किसी का भी नेम आ जाए, अदर नेम आ जाए, या फिर आपका दे आ जाए, तो ये होते हैं आपके थर्ड पर्सन और इनके साथ हम यूज करेंगे विल का। बच्चों, कभी कभी ये रूल्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक भी हो जाते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये रूल्स ब्रेक होते हैं जब हम किसी को कमांड देते हैं, कंपल्शन हमें शो करनी होती है जब हमें फ्यूचर में, या फिर कोई ऑर्डर देते हैं, तो उनकी केस में क्या हो जाते हैं बच्चों, ये रूल्स थोड़े से ब्रेक हो जाते हैं और ये इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको पीछे बताया था। तो यहाँ पे इसका रूल देखेंगे कि क्या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस का रूल रहता है। तो कॉन्टिन्यूस से वर्ब कैसी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कौन सी वर्ब लगाई जाती है? आईएनजी वाली फॉर्म आती है। तो ये ध्यान में रखना। साथ में हमें पहचान के लिए दे रखे होते हैं विल तथा शैल, साथ में लगता है वी। तो ये ध्यान में रखना, विल बी तथा शैल बी का यूज करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं बच्चों? आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। एंड हमेशा किसी सेंटेंसेस में क्या आता है? एक ऑब्जेक्ट आता है। और मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट क्या रहता है, या तो एक नाउन होगा या तो एक आपका प्रोनाउन होगा। तो चलते हैं इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं आपके समक्ष एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं बोलूं आई शैल। अब देखो बच्चों, आई के अकॉर्डिंग मैंने किसका यूज किया है? शैल का यूज किया है। तो जैसे मैं बोलूं आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, इस प्रकार से अगर मैं सेंटेंसेस लिखता हूं तो बच्चों आपको पहचान किस प्रकार से करनी है कि लिखा गया सेंटेंसेस किसमें है, तो ये आपको पहचान करनी है।
हमेशा मैंने बताया है आपको वर्ब से चलना है, आपने वर्ब की यहाँ पे आईएनजी वाली लगी है तो कौन सा टेंस हुआ आपका कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ। अब कैसे डिसाइड होगा कि ये आपका कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, तो बच्चों यहाँ से देखेंगे शेल लगा है तो शेल लगता है आपका फ्यूचर में, तो ये कौन सा हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस हो गया। तो जब भी कॉन्टिन्यूस होगा तो हमेशा ध्यान में रखना कौन सी वर्ब लगाई जाए कि साथ में वी की कोई ना कोई फॉर्म लगाई जाती है, तो वी स्वयं यहाँ पे आएगा। इसके अब ध्यान में ये भी रखना कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो हमें किसका यूज करना है, शैल का यूज करना है, तो इसका भी ध्यान में रखना। अब इसी जो रूल्स है ये अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में बनाना होगा तो किस प्रकार से हम बनाते हैं, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। तो जब भी हम नेगेटिव में बनाते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहता है, एक सब्जेक्ट आएगा और उसी के बाद हम क्या लगाते हैं विल तथा शैल। अब वी वैसे का वैसा लगाया जाता है जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पीछे पढ़ा, और इसके बाद हम क्या लगाते हैं नॉट लगाते हैं, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो बच्चों ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि जो नॉट लगता है हमेशा ही वर्ब से, जो मेन वर्ब आपकी रहती है उससे हमेशा ही पहले लगाया जाता है, और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहती है चाहे वो एज अ मॉडल यहाँ पे यूज हुई है विल एंड शैल, उसके बाद लगाया जाता है नॉट। तो ये ध्यान में रखिएगा कभी भी नॉट आपका मेन वर्ब के बाद नहीं लगाया जाएगा, तो एग्जाम में ऐसी ही एरर दी जाती है। तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से लिखा जाता है फ्यूचर का। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो इसमें भी वही एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं पर्सन चेंज कर देता हूँ, अगर मैं ही कर दूं तो ही विल बी नॉट गोइंग टू स्कूल लिख दूंगा, तो बच्चों ये आपका क्या बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस की है आपके लिए, विल यूज किया है, तो विल क्यों यूज हुआ है यहाँ पे, तो ही आपका क्या है थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के लिए हम यूज करेंगे विल का यूज करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज करेंगे विल का, और फर्स्ट पर्सन के लिए हम यूज करते हैं शैल का। साथ ही साथ इसके जो रूल्स रहते हैं जहां पे ये ब्रेक होते हैं आपके कि ही के साथ कभी कभी शैल का यूज किया जाता है, तो वो आपने ध्यान में रखने हैं। मैंने आपको 5 जगह बताई हैं कि जहां पे इनका रूल्स ब्रेक किए जाते हैं। तो ये था आपका नेगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने में का तरीका। इसके बाद हम देखते हैं कि आपका क्वेश्चन मार्क में सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर किस प्रकार का रहता है कॉन्टिन्यूस में। तो जब भी हम पीछे भी हमने पढ़े हैं कि आप क्वेश्चन मार्क में कोई सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क वाला साइन लगाना होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन मार्क का साइन इस प्रकार से लगाया जाता है। अब देखिए जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो दो तरीके रहते हैं हमारे पास, दो वे रहते हैं। फर्स्ट वे इस तरीके का है कि हम हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं सबसे स्टार्टिंग में ले आते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे हम किसका यूज कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास डब्ल्यू एच फैमिली से होता है जहां से हम क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे बोलते हैं हम अक्सर व्हाट इज योर नेम, व्हाई आर यू कमिंग, इस तरीके के जो क्वेश्चंस तैयार करते हैं वो हम डब्ल्यू एच फैमिली से बनाते हैं। बट वहां से जो आंसर आते हैं वो या तो एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती है या तो वो एक या दो दो से अधिक जो शब्द रहते हैं वर्डिंग में रहते हैं उनमें आंसर आता है, किंतु जब हम हेल्पिंग या फिर हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन तैयार करते हैं उनसे हमारे आंसर हमेशा ही सिंगल वर्ड में आते हैं, तो इसका भी ध्यान में रखिएगा। तो तरीका ये है आपका कि जो हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब या एज अ यहाँ पे यूज हुई है विल एंड शैल। अब इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट का यूज करेंगे, वो सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, और इसी के बाद जो मेन वर्ब है वो आती है आईएनजी वाली फॉर्म में, और इसके बाद में क्या लग जाएगा आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अब हम पिछले वाले ही सेंटेंसेस को यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस सेम है, एज अ बस नाम में थोड़ा सा अंतर है बाकी सेम है इनका स्ट्रक्चर। अब देखिए क्वेश्चन मार्क में जब मैंने आपको विल सेकंड थर्ड पर्सन के बाद में बताया था तो यहाँ पे हम क्या करेंगे विल ही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, एंड ही के बाद हम यूज कर देंगे वी की कोई फॉर्म, एंड आगे हम लिख देंगे गोइंग टू मार्केट, तो और आगे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा बन जाएगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंसेस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या फिर आपका क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस। तो ये ध्यान में रखिएगा पहचान करने के लिए आपको बिल दे रखा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी वाली फॉर्म दे रखी होगी, इससे हमें पहचान हो जाएगी कि टेंसेस कौन सा है। इसके बाद अगला लास्ट हम देखते हैं कि जो इसका फोर्थ टाइप्स का जो रहता है कि
साथ में इंटरोगेटिव तो होना चाहिए किंतु साथ साथ ही हमारा इन आपका नेगेटिव सेंटेंस भी होना चाहिए, यानी कि कोई काम एक्शन हमारा फ्यूचर में क्या है बच्चों, चल भी रहा है, फ्यूचर में चल भी रहा होगा, जहां हम बोलते हैं रहा होगा, यानी कि वो काम हम किसमें दर्शाते हैं, सारे के सारे फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंसेस में दर्शाते हैं। यहाँ का स्ट्रक्चर भी इस प्रकार का रहेगा, विल एंड शैल आपके हेल्पिंग वर्ब में यूज किए जाते हैं, सब्जेक्ट आएगा, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं और ये वी के पहले हम नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाएगा एंड इसके बाद हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब देखिए इसमें हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो वैसे ही हम यूज करते हैं शैल का, कि शैल हमने सबसे स्टार्टिंग में लिखा शैल आई। आप देखो बच्चे इसके बाद मुझे नॉट लगाना है तो किसके बाद लगाया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाएगा, शैल आई नॉट बी रीडिंग अ बुक, यानी कि ये बुक आपका यहाँ पे क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका अ बुक, इस प्रकार से हम लिखेंगे और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। तो मैंने सेंटेंसेस बनाया शैल आई नॉट बी रीडिंग अ बुक, तो यानी कि मैंने सेंटेंसेस को किसमें फ्रेम किया बच्चों, आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस में फ्रेम किया है और ये किसमें है आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में है। इसी के साथ बच्चों हम आपसे लेते हैं अलविदा, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस समझ में आया हो, तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, तथा साथ ही इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।